स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एचपीएलसी के अंतर्गत एपरेटस एंड मटेरियल को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज द कॉलम और कॉलम पैकिंग क्या है, और कॉलम पैकिंग के जो डिफरेंट पैकिंग हम यूज करते हैं उसके बारे में बात की थी, और कॉलम पैकिंग प्रोसीजर क्या है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट हम इसमें यूज कर सकते हैं, जिसको कि हम मोबाइल फेज भी कहते हैं। ये जो मोबाइल फेज या जो क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट है, ये जो यूज किया जाता है, ये उस सेपरेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा हमें किस टाइप का सेपरेशन करना है, टाइप ऑफ सेपरेशन टू बी अचीव्ड, इस पर ही उसका जो सिलेक्शन है क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट का, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम अगर हम आइसोक्रेटिक सेपरेशन करें तो वो खाली हम एक सिंगल सॉल्वेंट से कर सकते हैं, या दो से अधिक सॉल्वेंट को एक जो है मतलब फिक्स प्रोपोर्शन मिला के यूज कर सकते हैं। और अल्टरनेटिवली जो जो ग्रेडियंट इल्यूशन है, सिस्टम है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, जहाँ जो डेवलपिंग जो सॉल्वेंट है, जो या हम कह सकते हैं मोबाइल फेज या हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट है, वो अगर जिसका कंपोजिशन है वो हम चेंज कर सकते हैं सूटेबल ग्रेडियंट प्रोग्रामर की हेल्प से, हमें कौन सा यूज करना है, इस तरह से हम एक ग्रेडियंट प्रोग्रामर के द्वारा उसके जो कंपोजिशन है उसको लगातार चेंज करके और एक ग्रेडियंट इल्यूशन अपने सिस्टम को बना सकते हैं। और जनरली जो अपने केसेस है उसमें हम देखते हैं दो तरह के पंप यूज किए जाते हैं, और जो जो सिस्टम्स हैं, All solvents in the HPLC system must be specified purified. क्योंकि हम जो इसमें use करते हैं solvent HPLC system में, वो pure होना जरूरी है, क्योंकि अगर जिसमें कुछ थोड़ी सी भी impurity होगी वो इसके column को और जो उसके है जो system detection system है उसको उसमें क्या कर सकता है, interference कर सकता है, यानी उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो हमें जो solvent use करना है बिल्कुल pure होना चाहिए। और ये हम देखते हैं कि दिस इज द पर्टिकुलर द केस इफ द डिटेक्शन सिस्टम इज मेजरिंग एब्जॉर्बेंस एट बिलो 200 नैनोमीटर। और उस पर्टिकुलर केस में जहाँ जो डिटेक्शन सिस्टम हम यूज करते हैं उसकी जो एब्जॉर्बेंस है अगर 200 नैनोमीटर से कम है, उस केस में इसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इम्प्योरिटीज होगी तो उसके जो सिस्टम के उसके एब्जॉर्बेंस को वो अफेक्ट करेगा। इट मीन्स हमें जो सॉल्वेंट है वो प्योरली मतलब प्योरीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए, इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। और ये जो सॉल्वेंट्स हैं, जो प्यूरिफाइड सॉल्वेंट्स हैं एचपीएलसी सिस्टम में, वो जो कमर्शियली हमें मिलते हैं, परंतु इसमें ये भी जरूरी है कि ये जो सारे जो सॉल्वेंट है जो इसमें कमर्शियली तो अवेलेबल होते ही हैं, परंतु इन सॉल्वेंट को पंप में डालने से पहले हमें जो होता है एक माइक्रोफिल्टर है, जो कि इसका माइक्रोफिल्टर 1 to 5 माइक्रोमीटर का होता है, उसमें हमें उसको पास कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है वो और प्योरीफाई हो जाता है। और इससे इसके अलावा ये भी जरूरी है कि सभी सॉल्वेंट को अपने यूज करने से पहले इसको डीगैस करना जरूरी है। डीगैस का मतलब, यानी जहाँ ये गैस का मतलब है द प्रेजेंस ऑफ द बबल एयर बबल्स इन दिस सॉल्वेंट। तो जो एयर बबल्स होते हैं सॉल्वेंट में, इसको हमें निकालना होता है, उसको हम डीगैस बोलते हैं। तो किसी भी सॉल्वेंट को अगर हम पास करते हैं पंप में, उससे पहले उस सॉल्वेंट को डीगैस करना, यानी उसको एयर बबल से फ्री करना आवश्यक है। और स्पेशली अगर जो है अपने एक्वस मिथेनॉल और इथेनॉल जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं उसमें, ये बहुत जरूरी है। और गैसिंग का मतलब मैंने बताई थी आपको कि प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स इन दिस सॉल्वेंट, जो क्या करता है, अगर जो गैसेज रहेगी सॉल्वेंट में वो कॉलम की रेजोल्यूशन को और उसको इफेक्ट करेगी, और उसमें जो इंटरफेरेंस जो है जो कॉलम फ्लूइड चलता है उसमें ना जो उसको क्या करेगी, उसकी जो फ्लो है उसको मॉनिटरिंग को वो इंटरफेयर करेगा, यानी उसमें रुकावट या बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसी तरह से डीगैसिंग है इसकी सॉल्वेंट की, हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी सॉल्वेंट को गर्म करके, या हम उसको लगातार स्टरिंग करके, मैग्नेट के स्टरर पर हम स्टरिंग करेंगे तो भी उसमें एयर बबल्स उसके यानी एयर बबल्स निकल जाएंगे, डीगैस हो जाएंगे, या हम उसको वैक्यूम में पास कर देते हैं तो भी उसकी डिगेसिंग हो जाएगी, या अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से भी कर सकते हैं, और या हम हीलिंग गैस को पास करके भी हम इसको
क्या कर सकते हैं, डिगेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात हमने की थी सॉल्वेंट की। अब हम बात करेंगे पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम क्या है? ये पंपिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एचपीएलसी सिस्टम। कि उसमें जो क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉलम में कॉलम बहुत नेरो होता है और उसके अंदर हम स्मॉल पार्टिकल, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम इसमें कॉलम में जो पैकेजिंग यूज करते हैं, बीड्स की यूज करते हैं, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसकी वजह से उसके बीच में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या था, हम प्रेशर को यूज करते हैं। हाई प्रेशर आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू अचीव सेटिस्फैक्टरी फ्लो रेट। उस फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए क्या है, उसमें हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। इसलिए जो अच्छे जो पंपिंग सिस्टम होते हैं उसके जो कि आउटपुट है वो एटलीस्ट 3.4 × 10⁷ PA पास्कल यानी 5000 PSI के बराबर होना चाहिए। और आइडियली इसमें के बीच में कोई जो फ्लो है उसके बीच में कोई नो पल्सेस यानी कोई पल्स भी नहीं होनी चाहिए। और इनकी जो फ्लो डिलीवरी है एटलीस्ट 10 cm³/min फॉर नॉर्मल एनालिसिस के लिए होनी चाहिए, अप टू क्या है इसका 30 cm/min इस तरह से इसकी फ्लो रेट होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके लिए कोई पर्टिकुलर पंपिंग सिस्टम लगाएं। तो ये जो सिस्टम है कि ऑल मटेरियल इन द पंप शुड बी केमिकली रेजिस्टेंट टू ऑल सॉल्वेंट। अब हम जो ये पंप यूज़ करते हैं केमिकल जो हम इसके अंदर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं कॉलम में, उसके लिए पंप क्या होना चाहिए, केमिकली रेजिस्टेंट होना चाहिए। इसलिए वेरियस पंपिंग सिस्टम जो है इसके लिए अवेलेबल होते हैं विच ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इस जो कि इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि इसमें प्रेशर भी कॉन्स्टेंट रहे या हम कह सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कॉन्स्टेंट रहे। अब हम कौन कौन से जो है पंपिंग सिस्टम यूज करते हैं उसकी बात करेंगे। वो है कॉन्स्टेंट, फर्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट प्रेशर पंप। कॉन्स्टेंट प्रेशर पंप क्या है, ये क्या करता है, पल्स लेस फ्लो थ्रू द कॉलम। ये ऐसा जो होता है इसमें कि पल्स की, मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें आइडियली पंप वो होते हैं जिसमें कि पल्सेस नहीं हो। तो ये जो है कॉन्स्टेंट प्रेशर पंप में भी कॉलम में भी क्या होता है, जो इसका फ्लो होता है पल्स लेस होता है। परंतु इसमें एक ये है कि डिक्रीज इन द परमिबिलिटी ऑफ द कॉलम विल रिजल्ट इन लोअर फ्लो रेट। परंतु इसकी जो परमिबिलिटी है इस कॉलम की, इस वजह से इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इसका जो फ्लो रेट है वो भी कम, एक कॉन्स्टेंट मतलब फ्लो रेट जो है उसका वो भी लोअर हो जाता है। और इसलिए इस पंप को क्या करता है, कंपनसेट हम विच द पंप विल नॉट कंपनसेट। इसको कंपनसेशन नहीं किया जा सकता, इसको यानी कंपनसेट नहीं कर सकते। दिस पंप ऑपरेट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई प्रेशर गैस इनटू द पंप एंड द गैस इन टर्न फोर्सेस द सॉल्वेंट फ्रॉम द पंप चेंबर इनटू द कॉलम। ये इसका मतलब इस तरह इसका इस मतलब मेथड पे काम करता है ये पंप, कि जब हम इसको हाई प्रेशर पे किसी गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पंप काम करता है और गैस क्या करती है, उसको सॉल्वेंट को उसको मतलब इसमें पंप में अंदर धकेलती है और कॉलम में ये मतलब सॉल्वेंट पास होता है। एंड द यूज ऑफ एन इंटरमीडिएट सॉल्वेंट बिटवीन द गैस एंड द इल्यूटिंग सॉल्वेंट रिड्यूसेस द चांस ऑफ द dissolved gas directly entering the eluting solvent and causing problems during the analysis. अब जो हम use करते हैं intermediate solvent करते हैं gas और उसके eluting solvent के बीच में, वो क्या करता है dissolved gas को reduce कर देता है और जो है eluting solvent और उसके जो analysis में जो problems create होती है उसको उसको decrease कर देता है। दूसरा है constant displacement। इसमें एक और बात, दूसरी हम और बात करेंगे, जो दूसरा पंप है वो है कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप। कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है, ये क्या करता है कि कॉन्स्टेंट मेंटेन करता है कॉन्स्टेंट फ्लो रेट थ्रू द कॉलम एंड चेंजिंग कंडीशंस विद इन द कॉलम। कॉलम और कॉलम से कोई भी हम कंडीशन चेंज करें उसके बीच में ये क्या करता है, इसको फ्लो रेट को मेंटेन करता है। और वन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप इज मोटर ड्राइवन सीरीज टाइप पंप। ये क्या है, एक सीरीज टाइप पंप है जिसको कि मोटर ड्राइव करता है, मतलब मोटर के द्वारा ये सीरीज टाइप पंप काम करता है। वेयर ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज फोर्स्ड फ्रॉम द पंप टू द कॉलम बाय ए पिस्टन ड्राइवन बाय ए मोटर, जो कि क्या करता है, फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को
क्या करता है, पंप के सॉल्वेंट इज फर्स्ट फ्रॉम द पंप टू द कॉलम बाय ये पिस्टन ड्राइवन, पिस्टन ड्राइवन मोटर से जो होता है उससे वो क्या करता है सॉल्वेंट उसको पंप पे इसको फोर्स करता है, फ्लो करता है। ऐसे पंप्स जहाँ एज वेल एज जो है ऐसे पंप जो यूनिफॉर्म सॉल्वेंट फ्लो रेट को बनाए रखते हैं और इसमें जो है पल्स लेस सॉल्वेंट का फ्लो होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो कि इसमें क्या है सर्टेन जो डिटेक्टर्स है जो सेंसिटिव होते हैं और जो कि सॉल्वेंट की फ्लो रेट को चेंज नहीं होने देते हैं। और दूसरे तरह के पंप हो रहे हैं वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें क्या है ये रेसिप्रोकेटिंग पंप जाता है जो कॉमनली यूज किया जाता है और ये जो है जो कॉन्स्टेंट डिस्प्लेस पंप है इसी का रिप्लेसमेंट है। और इसमें भी पिस्टन लगी होती है, एक जो मतलब एक क्रैंक होता है उसके ऊपर मूव करता है और पिस्टन लगी होती है। और इसमें जो सॉल्वेंट जो है वो रिजर्वायर से पंप चैम्बर में मूव करता है और एग्जिट करता है, सॉल्वेंट क्या करता है कॉलम में जाता है। और इसी तरह से ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक सॉल्वेंट इज फोर्स्ड फ्रॉम द पंप चैम्बर इनटू द कॉलम, ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक द एग्जिट चेक वाल्व क्लोज द सॉल्वेंट इन द ड्रॉन इन वाया द एंट्री वाल्व टू द पंप चैम्बर। यानी इसमें एक जो है इस पर जो क्रैंक पे क्या लगा होता है पिस्टन लगा होता है जिसे सॉल्वेंट क्या करता है मूव करता है पंप चैम्बर में मूव करता है एंट्री करता है। और इस तरह से ये जो इस पंप का काम करता है, इस तरह के जो पंप है वो फ्लो और पल्स डिस्पेंसर्स आर यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सिस्टम टू मिनिमाइज द पल्सिंग रेट। इस तरह में जो पंप है वो क्या करते हैं सॉल्वेंट और उसके बीच में क्या करते हैं पल्सिंग जो इफेक्ट को मिनिमाइज करते हैं। और जो सभी ये सभी और कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप हैव इनबिल्ट सेफ्टी कट आउट मैकेनिज्म सो दैट इफ द प्रेशर within the chromatographic system changes from preset limits pump is inactivated। ये सभी क्या होते हैं ऐसे mechanism से बने होते हैं जैसे ही अगर इसका pressure ज़्यादा हो जाएगा तो pump क्या करेगा inactivate हो जाता है। तो इस तरह से ये pump का काम pumping system, हमने अलग अलग pumping system को discuss किया है, constant pressure pump, constant displacement pump और reciprocal pump। ये इस तरह से इसमें HPLC में अलग अलग pump कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे डिटेक्टर सिस्टम की। डिटेक्टर सिस्टम क्या है कि सिंस द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अप्लाइड टू द कॉलम इज फ्रीक्वेंटली वेरी स्मॉल, हम जानते हैं कि इसमें जो है क्वांटिटी जो है उसकी जो सॉरी मटेरियल की जो क्वांटिटी है कॉलम में बहुत कम होती है। तो इट इज इम्पेरेटिव दैट द सेंसिटिविटी ऑफ द डिटेक्टर सिस्टम इज सफिशियंटली हाई एंड स्टेबल। Most commonly, the detector is a variable wavelength UV visible spectrophotometer, a fluorimeter, a refractive index monitor or electrochemical detector। तो इस तरह हम डिटेक्टर जो जनरली जो यूज किए जाते हैं इसमें इस तरह ये जो डिटेक्टर्स है। और जो रिसेंटली जो है वो है इंटरफेरेंसिंग ऑफ HPLC टू ए मास स्पेक्ट्रोमीटर और फॉर द डिटेक्शन ऑफ एनाइस इन द आयन क्रोमेटोग्राफी वो यूज करते हैं कंडक्टिविटी डिटेक्टेड बाय द ये है इल्यूएंट सप्रेशन यूज। ये अलग अलग डिटेक्टर के नाम है जो कि हम इसमें यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रैक्टिकल प्रोसेसर बाय द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सैंपल ऑन टू HPLC कॉलम इज अनदर प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग सक्सेसफुल सेपरेशन। यानी जो इसके एप्लीकेशंस है उसमें HPLC कॉलम में पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट क्या है इसका फैक्टर जिसमें हम सक्सेसफुल इसका सेपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम HPLC में क्या कर रहे हैं किसी भी इसको कंपाउंड का जो है इसका सेपरेशन करते हैं, उसका कंपाउंड का आइडेंटिफाई करते हैं बाय द मतलब अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के थ्रू। और आइडियली द सैंपल जो है कॉट टू बी इंट्रोड्यूस इन एन इनफाइनिटली नैरो बैंड इनटू द कॉलम। हम जानते हैं कि जो सैंपल है वो क्या करता है इसमें बहुत छोटे से कॉलम में उसमें हम इसमें डालते हैं। देयर आर द टू मेथड विच आर जनरली यूज्ड। द फर्स्ट मेथड मेक यूजेस ऑफ मैक्रो सिरिंज डिजाइंड टू क्या है विदस्टैंड हाई प्रेशर
पहले पहले प्रेशराइजर में क्या करते हैं मेथड में कि हम माइक्रो सिरिंज यूज करते हैं हाई प्रेशर के साथ उसको सॉल्वेंट को डिफ्यूज करते हैं एंड द सैंपल इज इंजेक्टेड थ्रू ए सिस्टम सेप्टम इन द इंजेक्शन पोर्ट आइदर डायरेक्टली ऑन टू द कॉलम पैकिंग और इन द स्मॉल प्लग ऑफ इनर्ट मटेरियल इमीजिएटली। या तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो सैंपल है उसको हम डायरेक्टली उसको पोर्ट में हम इंजेक्ट कर देते हैं या हम उसमें डालते हैं स्मॉल प्लग ऑफ इनर्ट मटेरियल इनमें कॉलम पैकिंग में एंड दिस कैन बी डन व्हाइल द सिस्टम इज अंडर प्रेशर ऑन द पंप मे बी टर्न ऑफ बिफोर द इंजेक्शन। और इसमें क्या करता है सिस्टम को हम अंडर इसमें पंप अंडर प्रेशर करते हैं या हम पंप के थ्रू उसको क्या करते हैं टर्न ऑफ कर देते हैं इंजेक्शन उसमें इंजेक्ट करने से पहले एंड व्हेन द प्रेशर हैज ड्रॉप टू नियर एटमॉस्फेयर द इंजेक्शन इज मेड एंड द पंप स्विच्ड ऑन अगेन। जैसे ही हम प्रेशर क्या होता है उसका कम होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर से आता है तो उसको इंजेक्ट कर देते हैं और पंप को स्विच्ड ऑन कर देते हैं। इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं स्टॉप फ्लो इंजेक्शन। This is known as the stop flow injection. And the second method of sample introduction is use of the loop injector. दूसरे method को हम कहते हैं loop injector, which consists of metal loop of small volume which can be filled with the sample. इसमें हम क्या करते हैं कि छोटा सा मतलब इसको metal loop of जो है small volume है which can be filled with the sample. Sample से हम भर देते हैं by means the appropriate valve the Effluent from the pump is channelized through the loop and the outlet of which leads directly onto the column and the sample is thus flushed on the column by the effluent without interruption of solvent flow to the column and the automatic versions of the loop injectors are commercially available. इसमें जो सैंपल का जो अपने इस तरह से बताया कि किस तरह से इसमें हम लूप बना के इसको और इसको सैंपल को इंजेक्ट करते हैं पंप के थ्रू कॉलम कॉलम में इंजेक्ट करते हैं और जो इसका ऑटोमेटिक जो वर्जन है लूप इंजेक्टर्स का वो कमर्शियली हमें कमर्शियली भी अवेलेबल है। और इस तरह से रिपीटेड एप्लीकेशंस ऑफ हाईली इम्प्योर सैंपल सच एज जैसे सीरा यूरिन है प्लाज्मा है होल ब्लड है इसको हम क्या करते हैं इसको डीप्रोटीनेटेड किया जाता है और उसको बाद में क्या किया जाता है कॉलम में मतलब जो है रिजोल्विंग पावर में इसको डाला जाता है। टू प्रिवेंट दिस अकरेंस ए गार्ड कॉलम इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द इंजेक्शन एंड एनालिटिकल कॉलम इसके बीच में दोनों के बीच में यानी इंजेक्शन और एनालिटिकल कॉलम के बीच में एक गार्ड कॉलम को उसको मतलब यूज किया जाता है। दिस गार्ड कॉलम इज ए शॉर्ट कॉलम ऑफ द सेम इंटरनल डायमीटर वो एक इंटरनल डायमीटर उसका जो है ऑलमोस्ट उसके कार्ड कॉलम का भी सेम ही होता है और एक सिमिलर मटेरियल से ही वो पैक होता है और इसमें एनालिटिकल सिस्टम में जो एनालिटिकल सिस्टम में जो प्रेजेंट होता है उसी तरह से हम कार्ड कॉलम को बनाते हैं और द पैकिंग ऑफ कार्ड कॉलम कैन बी रिप्लेस्ड एट द रेगुलर इंटरवल और जो इस कार्ड कॉलम की जो पैकिंग है वो मतलब बार बार हम इसको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में इसको चेंज करते रहते हैं। तो ये सब बात हमने की है इसकी प्रैक्टिकल प्रोसीजर की। अब कॉलम एफिशिएंसी और सिलेक्टिविटी है वो हम इसको